Hey everyone, this is Nisha. Welcome back to my YouTube channel. आज ना बहुत ही रैंडम सी एक वीडियो लेकर आई हूँ मैं मीशो की. बहुत ही रैंडम चीजें ना मैं पिक कर रही थी एंड गेस व्हाट गाइस, इतने प्यारे प्यारे दो आउटफिट बना दिए मैंने. आई एम जीनियस. मतलब उनको कंबाइन करके पहन के ना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है. डोंट वरी, सिर्फ दो आउटफिट नहीं है, और भी चीजें हैं, बट बड़ी रैंडम चीजें हैं. जैसा कि मैंने पहले बोला आपको, उसमें आपको यू नो एथनिक भी मिल जाएगा एंड टॉप वेयर भी मिल जाएगा, बॉटम वेयर भी मिल जाएगा एंड कुछ इनरवेयर भी मिल जाएंगे. मतलब ये ना एक मल्टी कलेक्शन वीडियो होने वाली है. ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इफ यू आर न्यू हियर प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट माय वीडियोस नोटिफिकेशंस. नाउ वी कैन स्टार्ट दिस वीडियो. पहले जो सबसे क्यूट से टॉप है, मतलब टॉप वेयर मैं शेयर करने जा रही हूँ. दो टॉप वेयर लिए हैं मैंने, दो बॉटम लिए हैं, एक एथनिक लिया है एंड कुछ पैंटीज लिए हैं. एक एक करके सारी चीजें शेयर करूंगी मैं एंड सारे बड़े ही ट्रेंडी और बहुत ही अच्छे हैं. ठीक है, तो पहला टॉप शेयर करने जा रही हूँ मैं, दैट इज दिस पिंक. पाउडर पिंक कलर में है ये एंड बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है वेयर करने के बाद. आजकल ऐसे जो लेसेस वाले टॉप है ना, फ्रंट से टाई करने वाले, ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है. मैं अब तक दो दिखा चुकी हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा. टाइगर प्रिंट वाला टॉप मिंत्रा वाली हॉल वीडियो में है, यहाँ पे मैं कवर पेज दिखा रही हूँ, ये वीडियो भी देख लेना. बड़ी ही अमेजिंग कलेक्शन शेयर की थी मैंने इसमें एंड उसके बाद उस डिजाइन से मैं इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हुई कि फिर मैंने ये वाला ले लिया. मुझे ये टॉप बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा. प्लस आजकल अगर आप ट्रेंड फॉलो करते हो तो ऐसे टाइप के टॉप ना ट्रेंड में चल रहे हैं. ठीक है, तो ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है एंड इसको मैंने बड़े ही सुंदर से स्कर्ट के साथ पेयर अप किया था एंड वो भी मैंने मीशो से लिया है. आगे शेयर करेंगे टॉप वेयर के बाद. तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था पहनने के बाद, वो तो आप ट्रायल में देख ही सकते हो. एंड अगर आपको ट्रेंड के साथ चलना है एंड मतलब थोड़े सस्ते में निपट जाना चाहते हो और ट्रेंड भी फॉलो करना है तो मीशो बेस्ट ऐप है. सारी चीजें बड़ी ही अफोर्डेबल, बड़ी सस्ती मिल जाती है. इसे इवन आप अफोर्डेबल भी नहीं बोलोगे, बड़े ही सस्ते में सारी चीजें मिल जाती है एंड ट्रेंड भी फॉलो हो जाता है. मतलब मीशो ना काफी अपडेट हो रहा है, पहले नहीं आता था इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन अब धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें मिलने लगी है वहां पे. स्मॉल साइज लिया है इसका, मेरे को भी बिल्कुल फिट आ रहा है. अगर मैं थोड़ी सी भी मोटी हुई ना तो मेरे को मीडियम की तरफ घुसना पड़ेगा. सो मेरा जो बॉडी मेजरमेंट है मैं वो यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए आपको क्या साइज लेना चाहिए. दूसरा जो टॉप है वो मैंने अभी वेयर किया हुआ है ऑफ शोल्डर, मतलब एक शोल्डर तो है ही नहीं इसमें. मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा था ये टॉप. अब क्योंकि ना मैं बहुत सारी स्किन केयर वीडियोज वगैरह करती हूँ तो उसके लिए मुझे सिंपल टॉप्स चाहिए होते हैं, इसके लिए मैंने इसको परचेज किया है एंड काफी ज्यादा कूल लग रहा है ये. इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से पेयर अप किया है, उसको भी मैंने मीशो से ही लिया है गाइस. कितनी प्यारी स्कर्ट है, इसे भी आगे शेयर करेंगे. तो ये टॉप भी मुझे काफी अच्छा लगा, काफी ट्रेंडी है, काफी क्लासी है, सेक्सी वाइब दे रहा है. आप इसे बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हो, जीन्स वगैरह, ट्राउजर, स्कर्ट, मतलब किसी के साथ पेयर अप कर सकते हो. ये रिप्ड मटेरियल है, बॉडी से फिट आएगा आपको एंड पहनने के बाद काफी ज्यादा हॉट लगेगा. एंड आई नो आजकल लड़कियों को हॉट दिखने का बहुत शौक है, मुझे तो है एंड मैं हूं भी. ओके गाइस, मजाक कर रही हूँ, वो तो आप बताओगे मैं हूं या नहीं हूं, बट ठीक है. मुझे ये टॉप काफी ज्यादा प्यारा लगा एंड मटेरियल भी अच्छा है इसका, रिप्ड मटेरियल है अगेन, तो एक दो इंच इधर उधर हो गए तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आ जाएगा इसे. इसके बाद मैंने लिए हैं दो बॉटम एंड दोनों ही स्कर्ट्स हैं. मतलब मुझे बड़े ही प्यारे लगे थे स्कर्ट्स एंड आजकल मुझे स्कर्ट्स वेयर करना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है. मैंने रीजन बताया था आपको, मुझे स्कर्ट्स काफी ज्यादा कॉम्फी लगते हैं क्योंकि बस एक सिंगल पीस पहन लिया आपने एंड वो चिपका चिपकी सी नहीं होती है पैरों के साथ, तो काफी कंफर्टेबल रहते हैं समर में और यस काफी ज्यादा सुंदर भी लगते हैं वेयर करने के बाद. तो मेरी पहली जो स्कर्ट है वो है ये सुंदर सी प्यारी सी फ्लावर प्रिंट वाली. कितना ज्यादा ब्यूटीफुल प्रिंट है इसका गाइस. एंड मटेरियल की मैं बात करूँ तो ज्यादा थिन नहीं है, मतलब पारदर्शी नहीं है ये, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आप इसे इजिली मतलब कंफर्टेबल होकर वेयर कर सकते हो. एंड ये आपकी बॉडी से ना एकदम पेंसिल टाइप है इसका डिजाइन, तो एकदम बॉडी हग कर लेगा आपके नीचे से एंड फिर बहुत ही ज्यादा सेक्सी लगेगा. मैंने इसे पेयर अप किया है वो पिंक वाले के साथ एंड ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है. मल्टी कलर के साथ आप वेयर कर सकते हो, देख रहे हो इसमें कितने सारे कलर्स हैं, तो आप इसे किसी भी कलर के साथ वेयर करोगे ना बहुत सुंदर लगेगा, चाहे वो येलो हो, ग्रीन हो, रेड हो, किसी भी कलर को उठा के आप इसके साथ पेयर अप करके देखना बहुत सुंदर लगेगा. मतलब आपके वार्डरोब में जितने टॉप है ना सबके साथ आप इसे वेयर कर सकते हो. हाँ लेकिन हाँ, वो टी शर्ट के साथ लूज ब्लूज के साथ मत वेयर कर लेना, पर उसके साथ भी अच्छा लगेगा यार. मतलब आप इसे सबके ही साथ वेयर कर सकते हो गाइस, लेकिन हाँ प्रिंट ओवर प्रिंट मत पहन लेना, वो आपको देख के अंदाजा लगाना पड़ेगा कि प्रिंट ओवर प्रिंट जो आपने पहना है वो जा रहा है या नहीं. कई बार प्रिंट ओवर प्रिंट भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप क्या प्रिंट पहन रहे हो. ठीक है,
तो इनके जो प्राइजेज हैं वो मैं ऑलरेडी मेंशन कर रही हूँ, सारे ही काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, वो तो आपको प्राइस देख के पता चल ही रहा होगा, मीशो से लिया है यार, अफोर्डेबल ही मिलेगा। अगला है ये बहुत ही प्यारा प्लेटेड स्कर्ट बोलेंगे इसको, प्लेटेड वाला डिजाइन है इसका एंड मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा। मैंने ना इसको इस ब्लैक वाले के साथ स्टाइल किया था एंड कितना ज्यादा कूल लग रहा है कंबाइन करके ये आउटफिट, वो तो आप देख ही सकते हो। मतलब कंबाइन करके इसे वेयर करने के बाद ये बहुत ही ज्यादा क्लासी लग रहा है, मतलब एक्सपेंसिव वाली वाइब दे रहा है, इतने सस्ते में, मतलब दोनों का प्राइस आप मिला के देखोगे इतना कम है एंड इतने सस्ते में इतना एक्सपेंसिव वाइब देना वाला आउटफिट मिल गया है आपको, आई थिंक इससे ज्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है। एंड इसका कपड़ा काफी ज्यादा अच्छा है, काफी अच्छी क्वालिटी की स्कर्ट है ये, अगेन ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप इसे कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो एंड इसको भी काफी ज्यादा तरीके से स्टाइल कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा ये लगेगा पीच कलर के साथ, व्हाइट के साथ एंड ब्लैक के साथ, और भी कलर्स के साथ ये चला जाएगा। अगर आप इसे लाइट कलर के साथ वेयर करोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा, ब्लैक को छोड़ के, ब्लैक के साथ तो ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस पर ब्लैक कलर भी है। ठीक है गाइस, तो मुझे तो ये स्कर्ट काफी ज्यादा अच्छी लगी एंड इसकी जो लेंथ है वो भी काफी अच्छी खासी है एंड आप मेरी हाइट से अंदाजा लगा सकते हो, मेरी जो हाइट है वो 5'3" है, मेरे ऊपर ये कितनी लेंथ आ रही है उसको देख के आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ये आप में कितनी आएगी। कुछ पैंटीज मैंने बोला था ना आपको कि मैंने पैंटीज भी ऑर्डर की है, मुझे ना ऐसी सीमलेस पैंटीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है। इससे पहले जो मैंने ली थी वो मैंने सरोजनी से ली थी, बट गाइस मुझे ये इतने सस्ते में, मतलब वहां पे मुझे कितने की मिले थे मुझे ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा कम प्राइस में मुझे 3 पैंटीज मिली है एंड ये ना इनका जो मटेरियल है वो काफी ज्यादा अच्छा है, थिक मटेरियल है इसका एंड मीडियम साइज लिया है मैंने एंड मैंने अपना हिप साइज पहले मेंशन किया था कि क्या है। मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, ये मेरे को एकदम फिट आएंगे गाइज। अगर आपको थोड़ा बहुत लूज पहनना है ना तो आप लार्ज ऑर्डर करना, अगर मेरा बॉडी जितना आपका मेजरमेंट है तो उससे कम में तो मीडियम आराम से आ जाएगा, तो मुझे ना लूज नहीं पसंद है इसलिए मैं थोड़े टाइट ही ऑर्डर करती हूँ क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ना ऐसी पैंटीज भी लूज हो ही जाती है, इसलिए मैंने अभी मीडियम ऑर्डर किया है एंड ट्रस्ट मी गाइस इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। लाइक आप कुछ बॉडी फिटेड पहनते हो ना तो उसमें पैंटी लाइन देखना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो सीमलेस पैंटीज में वो चीज़ें नहीं होती हैं। कई लोग मुझसे ना पर्सनली भी पूछते कि निशु तू क्या पहनती है जिसकी वजह से पैंटीज लाइन नहीं दिखती है, तो मैं सीमलेस पैंटीज पहनती हूँ उसकी वजह से ही वो लाइन विजिबल नहीं होती एंड इसी टाइप की पैंटीज मैं वेयर करती हूँ जिम लेगिंग के साथ भी, तो वही सेम चीज़ हो जाती है, लाइक लाइन्स नहीं दिखती है, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। अगर आप बाकी किसी भी साइट पर जाओगे ना तो ऐसी पैंटीज काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा गाइज मैंने ना ये एक सूट लिया था जो मैंने डबल एक्सल ऑर्डर किया, अपनी मम्मी के लिए किया था, लेकिन उनको ना ये साइज अभी भी कम आ रहा है, बट अब मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये इसके साथ सलवार आई थी प्लाजो, इसमें प्रिंट है पूरा एंड ये कुर्ता था, मुझे इसके प्रिंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। मैंने करके देखा कि चल यार क्या पता मम्मी को आ जाए, मैंने डबल एक्सल ऑर्डर किया है, स्टिल मम्मी को ये टाइट हो रहा है, लेकिन वैसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर है एंड सारे साइजेस इसमें अवेलेबल हैं। डबल एक्सल इसका लास्ट साइज था, तो ये स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सल डबल एक्सल ये सारे साइजेस इसमें अवेलेबल है। अगर आपको इसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो। इसमें आपको एक ये सूट मिलता है एंड ये एक प्लाजो मिलता है एंड प्राइस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, आप देख सकते हो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी, कॉटन वाली क्वालिटी है, मिक्स कॉटन है, लाइक पूरा प्योर कॉटन नहीं है, बट समर में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। अगर आप एथनिक बहुत ज़्यादा वेयर करते हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट है ऑफिस वगैरह जाने के लिए एंड अगर कॉलेज भी जाते हो तो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा, डिजाइन काफी अच्छा, कलर काफी अच्छा एंड सबसे बड़ी बात की आपने बताया। इसी के साथ गाइज मेरी ये रैंडम सी वीडियो मीशो की यहीं पे खत्म होती है, बहुत कुछ तो परचेस नहीं किया था मैंने, यही कुछ चीजें परचेस की थी जो कि मैंने शेयर कर दी है एंड आई होप कि वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी क्योंकि जितनी भी चीजें मैंने ली है वो काफी ज्यादा क्लासी थी एंड ट्रेंडी थी, तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे ये सब कुछ, तो आपको क्या अच्छा लगा वो ज़रूर शेयर करना मेरे साथ कमेंट सेक्शन में एंड अगर आपका कोई भी रिकमेंडेशन है वो भी शेयर कर देना, कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और जो भी आपको बात भी करनी है तो आप मुझसे कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है गाइस, दैट इज इट, ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है एंड हम लोग अब दूसरी वीडियो में मिलेंगे, बाय, लव यू ऑल।